टैंक गोबर खाएंगे थोड़े दिनों बाद, क्योंकि आटा खरीद नहीं पाएंगे, नौकरी है नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं, इनको दर्द क्या पता। ये तो वही है मोदी जी वाले, झोला उठाएंगे चल देंगे। तो भाई यहाँ पे रुक के फोटो सेशन चल रहा है लोगों का, यहाँ पे थोड़ी देर पहले फोटो सेशन चल रहा था, अभी यहाँ पर चालू हो गया। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये भाई पानी पिला रहे हैं। मोस्टली लोग मतलब अंदर के लोग ही थे, जैसे कि कार्यकर्ता हुए, और मोस्टली औरतें ज़्यादा थी, आदमी लोग मुझे बहुत ही कम दिखे बहुत। तो है इसके साथ सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो सलाम अलैकुम, नमस्ते, डीजे परवेज खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि फाइनली हम लोगों ने कन्फर्म कर लिया है कि हमको कौन सा चैलेंज लेना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन इस बार हमको फाइनल करना है, व्लॉग भी बनाना है और साथ में हमारा चैनल जो है उसके भी सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, और साथ साथ हमारा चैलेंज भी कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम खुद जाके, हमने शपथ ली है कि हम खुद जाके करेंगे, घर घर जाएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो क्या डायलॉग तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं घर घर मोदी, अपने को नहीं मालूम। और ये चीज़ मेरे दिमाग में इसलिए निकली क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था न्यूज़ के अंदर, तो ऐसे बीजेपी के रिलेटेड ही कुछ वीडियोज़ आ रहे थे, तो मैं देख रहा था, तो इतने में दोस्त का कॉल आता है कि भाई तेरे को व्लॉग बनाना है। मैंने बोला हाँ बनाना है ना भाई, तो बोले काम करना, मतलब बीजेपी की रैली निकल रही है हमारे एरिया में से, निकल रही थी तो संगीता पाटिल हमारे एरिया में, तो उनकी रैली निकल रही थी, तो मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इतने सारे व्लॉग हम बनाते ही है, तो साथ में ये भी बना लेते, तो इसीलिए मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल गया कि हर हर घर घर मोदी। तो वो चीज़ें मेरे माइंड में आ गई अचानक से, वो डायलॉग प्रॉपर हमको नहीं मालूम था, लेकिन हमसे हम लोगों ने बोल दिया कि भाई क्या पता सही है गलत है, तो कौन सा है आप एक बार बता देना। तो फिलहाल मैं आपको आगे बात करता हूँ कि हम लोगों ने जो चैलेंज लिया है वो भी हमको कंप्लीट करना है। तो दोस्त का फोन आया अभी कि भाई रैली निकल रही, तो सब लोग जाते हैं रैली के अंदर, देखते हैं कि भाई कैसी है क्या है, आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम, पहली बार जा रहा हूँ भाई, देखते हैं कैसी है। तो चलो निकलते हैं, बाकी जो बातें हम लोग आके करेंगे। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई मैं एक मीम देख रहा था, जिसे मैंने आपको बताया, एक न्यूज़ चल रही थी बीजेपी को लेके, तो क्या है भाई अपने को नहीं मालूम इस चीज़ों के बारे में, अपने को ज़्यादा पता नहीं, मैं ज़्यादा देखता भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है। तो अपना अपना जो ठीक लगे वो करो, जो सही लगे आप लोगों को करो, जो गलत है वो मत करो, बस आप लोगों को पता होना चाहिए भाई क्या सही है क्या गलत है, किसी के बहकावे में मत जाओ, कौन क्या बोलता है वो भी मत देखो, तुमको जो ठीक लगे वो करो, अपने को जो ठीक लगता है अपने करते हैं। तो जाके पहले मैं क्या देख रहा था वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमें लगता है ये आटे को गोबर की तरह समझते हैं, आटे को गोबर आटा नहीं खरीद पाएंगे, गोबर खाएंगे थोड़े दिनों बाद, क्योंकि आटा खरीद नहीं पाएंगे, नौकरी है नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं, इनको दर्द क्या पता। ये तो वही है मोदी जी वाले, झोला उठाएंगे चल देंगे। गजब बेइज्जती है, पेट्रोल 100 के आसपास हो गया तो आपको महंगा नहीं लगता? अरे भाई 200 हो जाए, जिसको महंगा लगे तो पुरानी जगह की तरह फिर पैदल चले और क्या करेगा, जिसको महंगा लगे पैदल चले और क्या ना, खाली छोड़ दे जी। वही दिन आने वाले अपनी गाड़ी भी बेचेंगे और पैदल चलेंगे, चप्पल भी उतर जाएंगे, नंगे पैर चलेंगे, छाले पड़ जाएंगे, लेकिन दिन भर मोदी मोदी करेंगे, बवासीर की बीमारी है शायद। देखा तो भाई ये चीजें है भाई, अपने तो बनाई नहीं, अपने को तो देखा, अपन ने देखा, आप लोगों से शेयर कर दी कि भाई ये चीजें है अपन ने देखी, क्या है आप लोगों को पता भाई सही है कि गलत है। बस लोग नई 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 चीजें फैलते रहती है भाई, मार्केट है कुछ भी होता रहता है, देश है कुछ भी होते रहता है। तो चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं, आप आगे के वीडियो एंजॉय करिए, तब तक हम भी थोड़ा सा शेक पी के एंजॉय करते हैं।
खत्म हो गया, नीचे जाके देखते नीचे से कुछ दिखता है कि नहीं। पब्लिक इतनी नहीं थी, बाकी सब ठीक था। मेरे एरिया में से रैली जो है वो निकल चुकी है, अभी शायद पहुंचेगी मारुति नगर, तो हम लोग जाते हैं मारुति नगर, वहां से भी थोड़े बहुत फुटेज लेते हैं। रैली आती है तब तक हम लोग थोड़ा सा जूस वूस पीते हैं, यहाँ पर रैली है पीछे, तो चलो पहले जूस पी लेते हैं थोड़ा सा, तब तक वेट भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। हो गई है, अब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ है, बस अब इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते, हमारा एंड हो गया यहाँ तक। अब गर्मी भी ज़्यादा है, बस हमारा मारुति नगर तक था। चलो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो गाइस फाइनली घर पर आ चुका हूँ, और हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग चैलेंज ले रहे, तो वो चैलेंज के अकॉर्डिंग हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन जब हमको पता चला कि भाई यहाँ पर से रैली जाने वाली है संगीता पाटिल की, बीजेपी की, तो हमने सोचा कि चलो व्लॉग तो हम बनाते रहते हैं लेकिन ये जो मौका है बार बार नहीं मिलता है, तो हमने सोचा कि जाके देखते हैं। तो हमने जाके देखा, काफ़ी सारी पब्लिक थी, तो पब्लिक के अंदर मोस्टली लोग मतलब अंदर के लोग ही थे, जैसे कि कार्यकर्ता हुए, और मोस्टली औरतें ज़्यादा थी, आदमी लोग मुझे बहुत ही कम दिखे, मतलब ना के बराबर, तो ठीक था, जो भी था ठीक ही था। तो चलो बस अब ये जो व्लॉग है यहाँ का यहीं खत्म करेंगे, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, बात को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टाटा बाय बाय, लव यू।